हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके कॉलेज। दोस्तों, हम सब बीएमबी में फ्यूल्स एंड कम्युनिकेशन की स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और जिसमें दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और इससे पहले हमने लेक्चर 7 प्रोवाइड कर दिए हैं, यदि उससे ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए। और दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में जो है हमने लेक्चर 7 में उसमें हमने आर्टिफिशियल उपकरण द्वारा फ्लू गैस के विश्लेषण के बारे में हमने बताया था, और आर्टिफिशियल उपकरण का हमने डायग्राम भी बनाया था। उसके हिसाब से जो है आपको उसके जो डिफिनेशन होते हैं उसे हमने उसी प्रकार बता दिए थे, दरअसल लिख के नहीं दिए थे, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। उसमें हम आपको इसलिए पहले बता दिए हैं कि यदि जैसे हम बता रहे हैं सिंपल उसी भाषा में आप अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ बच्चे न लिख पाए तो उनके लिए भी हम अपने टेलीग्राम पे, ठीक है ना, अपने टेलीग्राम पर भी अपने द्वारा, ठीक है ना, लिख कर पीडीएफ सेंड कर देंगे। बुक के द्वारा पीडीएफ नहीं सेंड करेंगे, ठीक है ना। मतलब अपने द्वारा लिख कर जिस भाषा में आपको समझाया है उसी भाषा में, वो भी आपके लैंग्वेज में लिख के, ठीक है ना, शॉर्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं, ओके। तो दोस्तों चलिए, आज हम जो है, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। वैसे आप एक से दो बार उस वीडियो को देखेंगे ना, लेक्चर जो 7 वाला है, उसमें बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इस लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे 1 kg फ्लू गैसों में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है ना। उससे रिलेटेड क्या देखेंगे, ये हमारा फार्मूला है, इसी से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक। जिसमें दोस्तों हम लोगों को इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल एकदम तय होता है कि आना ही आना है, ठीक है ना। इसलिए बेहद ध्यान दीजिएगा, और ये जो है आज चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर होगा हमारा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़िया से देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। और इससे पहले दोस्तों जो हमारा सूत्र होता है ये कैसे निकलता है, इसको हम आपको बता देते हैं डेरिवेशन के बारे में, ठीक है ना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस चैप्टर का जो है इसमें बीएमए में कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछता है, ठीक है ना। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको लगे कि कैसे निकलता है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, 1 kg फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा इतनी होती है, यही हमें बताना है कि कैसे निकलेगा हमारा फार्मूला, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लू गैस में जो कार्बन होते हैं, ठीक है ना, कार्बन की मात्रा निकलती कैसे है, ठीक है ना। देखिए, 1 kg फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा जो होती है CO, मतलब ये हमेशा ध्यान दीजिएगा CO तथा CO2, ये इसी दो आयनों की मात्रा से हम इसके क्या करते हैं, फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा को ज्ञात करते हैं। इतना बिल्कुल ध्यान दीजिएगा पहले से, ठीक है ना। इतना आपको पता होना चाहिए कि CO2 तथा CO, ठीक है, यही दो अवयवों से क्या है हमें फ्लू गैसों की मात्रा का पता होता है, ठीक है ना, इससे ज्ञात होता है। तो दोस्तों चलिए इन्हीं दोनों के बारे में देख लेते हैं कि कैसे हमारा निकलता है। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखेंगे, आपको इससे पहले हमने बता दिया था जो पिछले लेक्चर में कि कैसे निकलता है इसका दहन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना, उसी को ज्ञात करना है हमें फिलहाल, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार लिखेंगे रासायनिक, हमने किया था रासायनिक प्रक्रिया ना, उसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ। तो देखिए लिखेंगे रासायनिक समीकरण के अनुसार, देखिए लिखेंगे रासायनिक समीकरण के अनुसार, रासायनिक समीकरण के अनुसार, इतना हुआ, ध्यान दीजिए। रासायनिक समीकरण के अनुसार देखेंगे दोस्तों कि 1 kg फ्लू गैस में, ठीक है, 1 kg लिखेंगे, 1 kg कार्बन, 1 kg कार्बन, ठीक है ना, के पूर्ण दहन में, के पूर्ण दहन में CO2 की मात्रा, की मात्रा, देखिए 1 kg कार्बन की पूर्ण दहन में CO2 के पहले मात्रा क्या होती है, इन्हीं दो आयनों के द्वारा क्या होता है हमें फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो पहले इसका CO2 का देख लेते हैं, इसके पूर्ण दहन में क्या होता है, क्या निकलता है मात्रा, ठीक है ना। 1 kg कार्बन के पूर्ण दहन में CO2 की मात्रा देखते हैं, ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा दोस्तों। देखिए, आपको पिछले लेक्चर में बताते हैं C+O2, ठीक है, मतलब कार्बन के दहन में कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या होता है C+O2, मतलब क्या बनता है हमारा CO2। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो हमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, इसका आप लोग जानते हैं, इसी का हमें पता करना कि इसकी मात्रा कितनी होगी। कार्बन का दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है,
परमाणु क्रमांक हमारा 6 होता है, परमाणु भार लेना रहता है, ठीक है ना। तो 6 × 12 हो जाएगा हमारा परमाणु भार, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनटू है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, क्योंकि तत्वों के बीच जो होता है स्टार दिया जाता है जब इनटू के फॉर्म में, तो वो आप प्लस मानते हैं, ठीक है। ये आपको बात पहले ही बता दी है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितना होता है दोस्तों, 8 होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 8 × 16 होगा, तो 16 × 32 टोटल को ऐड कीजिए, 32 × 12 = 44 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसके दहन से निकलता है, कार्बन के दहन से ना, तो हम बताते हैं कार्बन के दहन से मतलब जिसकी दहन प्रक्रिया होगी उससे हम उसके परमाणु भार से डिवाइड करेंगे, मतलब कार्बन का कितना होता है 6 × 12, इसका मतलब 12 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए 4 से करिए, 4 की आए 12, 11 × 44 कितना है दोस्तों, 11/3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 11/3 निकल जाएगा हमारा CO2 की मात्रा, इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, अब इसी प्रकार हम लोग CO का निकाल लेंगे, CO को क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब निकालेंगे इसी प्रकार कि 1 kg कार्बन के पूर्ण दहन में CO की मात्रा, CO की मात्रा, ठीक है दोस्तों, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा याद करेंगे, देखिए क्या होगा ध्यान से। अब देखिए CO की बात आती है, CO में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कार्बन के पूर्ण दहन से हम लोग याद कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हमेशा डिवाइड किससे होगा, कार्बन से, मतलब 12 से, 6 × 12 तक परमाणु भार 12 से डिवाइड होगा। इसका देखिए कार्बन का कितना होता है, 6 × 12 हो जाएगा 12, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 प्लस करिए, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 × 16 होता है, ठीक है, 16 × 12 दोस्तों कितना होगा 28 हुआ, 28 में क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कार्बन का दहन है तो कार्बन से डिवाइड करेंगे, देखिए 28/12 करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसे क्या करिए, यहाँ पर देख लीजिए यदि इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 क्या है 12 और 4 × 7 = 28, मतलब 7/3 आया, इतनी मात्रा निकली कार्बन मोनोऑक्साइड की, इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसीलिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर इन दोनों के हिसाब से, ठीक है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ऐसे लिख दीजिए, चलिए इसीलिए इसमें जो है दोस्तों, ठीक है ना, कार्बन की इतनी मात्रा की पता चली हमें, ठीक है, इसमें लिखेंगे पहले इसके अनुसार, ठीक है ना। देखिए ये जो लाइन है इसके नीचे लिखिएगा फिलहाल, यहां से देख लीजिए इससे पहले, ठीक है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए कार्बन में जो है दोस्तों, ठीक है ना, इसीलिए क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 1 kg CO2 की मात्रा मतलब कार्बन से प्राप्त, ठीक है ना, क्या करेंगे कार्बन से प्राप्त 1 kg CO2 की मात्रा बराबर तब क्या निकलेगा, ठीक है ना। देखिए ये इतना निकलेगा हमारा, ठीक है ना, कार्बन से प्राप्त 1 kg CO2 की मात्रा तब क्या हो जाएगी, 1 kg ना, तो 1/3 क्या करेंगे, ये 11 है ना, 11/3 कर देंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये सिरा नीचे हो जाएगा, मतलब 3/11 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, यही हमें CO2 का मान लेना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये इतना निकला है यहाँ से, ठीक है, अब इसके द्वारा लिख ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हम पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इसके द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, ये जो 1 kg कार्बन के पूर्ण दहन से CO की मात्रा जो दी हुई है, ठीक है। देखिए इसमें ज्ञात करनी इसी प्रकार कि कार्बन इसीलिए कार्बन से प्राप्त 1 kg CO की मात्रा, ठीक है, CO की मात्रा बराबर, देखिए क्या निकलेगा इसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पर देखें तो क्या निकलेगा, 1 kg बात हो रहा ना, मतलब 1/7.3 कितना हो। अब देखिए इससे जब हल करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, इतना समझ पाए आप लोग। तो चलिए दोस्तों अब देखिए अब निकालेंगे इसीलिए, अतः 1 kg फ्लू गैसों में कार्बन की मात्रा, देखिए कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगी, यही दोनों लेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इन दोनों से हम लोग इसीलिए यहाँ पर ज्ञात किए हैं, ठीक है ना, इसके द्वारा ये ज्ञात हुआ है और इसके द्वारा ये ज्ञात हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3/11 किसकी मात्रा, CO2 की, यहाँ पर ले देंगे CO2 प्लस करिए, ये कितना है 3/7, ये किसकी मात्रा है CO की,
इतना समझ पाए। देखिए हमारा डेरिवेशन हो गया दोस्तों, यही है ऑल ओवर फार्मूला। देखिए यहाँ से फार्मूला बना हुआ है, ठीक है ना, यही आपको बताना चाहते थे कि कहाँ से आया है। ठीक, तो दोस्तों इसे जो है आपको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल लगवाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए। ओके, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फ्लू गैस के एक, ध्यान से देखिएगा आपको बेहद अच्छे से समझ में आएगा। अब पूरा प्रयास करेंगे, वो भी जिस जिस टाइप्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, सबके बारे में बताएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल फिक्र मत करिए, अच्छे से बताएंगे। ध्यान दीजिए, फ्लू गैस के एक नमूने का संगत, संगत में दोस्तों द्रव्यमान भी से कहते हैं, ठीक है ना, या भार भी कहते हैं। देखिए फ्लू गैस के एक नमूने का द्रव्यमान विश्लेषण निम्न प्रकार पाया गया, जिसमें दिया क्या है, CO2 बराबर 16%, CO बराबर 2%, O2 बराबर 2% और N2 बराबर 80%, ठीक है ना, ये इतना हमारा मान दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, 1 kg फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है, या तो क्या है क्वेश्चन है पूछ रहा है 1 kg फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा। तो दोस्तों चलिए इसे हल करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए पूछा क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, एक काम करते हैं, चलिए ठीक है लिख लेते हैं 1 kg में, प्रश्नानुसार पहले लिखिए यहाँ पर, प्रश्नानुसार करके रहा है, ठीक है ना, प्रश्नानुसार पूछा क्या है, 1 kg फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा, ठीक है दोस्तों। देखिए कार्बन की मात्रा का सूत्र पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, सूत्र क्या होता है उसी बेस पे रख देंगे, ठीक है ना। देखिए कार्बन की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, सीधे सूत्र यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। देखिए कार्बन की मात्रा बराबर ज्ञात कर लेते हैं, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है अब हम जानते हैं, होता है 3/11, यहाँ पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस होता है 3/7 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इतना समझ पाए आप लोग। देखिए यहाँ से इसी का डेरिवेशन कराते हैं ना, ये फार्मूला निकला था यहाँ से, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए क्या है, इसमें से चाहिए हमें CO2 का मान चाहिए और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का मान चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CO का मान निकाल लेते हैं, CO2 का मान क्या दिया है 16%, परसेंट को हटा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना, परसेंट को देखिए, परसेंट जब हटाएंगे यहाँ से मतलब 16% दिया है, इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए 16/100 करते हैं हम, इसके इक्वल क्या होगा 0.16, इतना समझ पाए। अब इसी प्रकार CO का मान देख लीजिए, देखिए CO बराबर कितना दिया है 2%, 2% का मतलब 2/100 इक्वल करेंगे क्या हो जाएगा 0.02, इतना समझ पाए आप लोग। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, फार्मूला पुट कर लेते हैं, देखिए 3/11 है यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर छुटकी लिख दीजिएगा ये दिया, ठीक है। देखिए 3/11 CO2 का मान देखिए कितना दिया हमारा 0.16, इतना समझे। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए, 3/7 हो गया। अब देखिए CO का मान, कार्बन मोनोऑक्साइड का मान कितना दिया 0.02, इतना समझ लिया आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 देखिए 16 3 48 होता है दोस्तों, बचेगा 0.48, इतना समझ पाए आप लोग, बट्टे में 11 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस करिए। अब देखिए 3 2 6 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, बट्टे में 7 हो जाएगा, इतना समझे आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसे हल कर लेते हैं, देखिए हम जो है टाइम वजह से, ठीक है ना, टाइम थोड़ा बचाने की वजह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ हो, लेकिन नहीं भी होगा तभी भी आप लोग अपना मैथ जो है स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप इसे हल कर सकें, ठीक है ना, हम अपना समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले इसमें डिवाइड कर देते हैं, देखिए 0.48, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0.043, ठीक है ना, मान लेते हैं 6 भी मान लेते हैं, प्लस इसको भी डिवाइड कर देते हैं, देखिए कितना आएगा हमारा, सिंपल देखिए 0.06 डिवाइड 7 से करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा 0.0085, इतना हुआ दोस्तों। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इसे ऐड कर देते हैं दोनों मानों को, ठीक है ना, देखिए 0.436 प्लस कर देंगे 0.0085, ठीक है दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा देखिए मान मतलब कितना केजी निकलेगा यहाँ पर,
निकल रहा है 0.0521 केजी निकल रहा है। किसका मान है दोस्तों? एक केजी फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा कितने निकली? 0.0521 केजी। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है आप लोग इसके साथ ले सकते हैं ताकि इसे हम रफ करें और आगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छे से देखिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है ना। और इसमें जो है एक अलग सा फार्मूला भी है, उसे आपको बता देंगे क्या है, ठीक है। ध्यान से पहले देखिए क्वेश्चन कर क्या रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा दोस्तों इंजॉय लेकर पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा भी बोर फीलिंग नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। उस हिसाब से पढ़िए, ज़्यादा बोर मत महसूस होइए, ठीक है ना। देखिए ना, ईंधन के एक नमूने में 85% कार्बन है तथा ईंधन दहन से प्राप्त फ्लू गैसों का संघनित विश्लेषण निम्न प्रकार है। देखिए कैसे है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 21.6%, कार्बन मोनोऑक्साइड 2.3%, ऑक्सीजन कितना है 1.6% और नाइट्रोजन 74.5% है। तो 1 kg ईंधन के दहन से प्राप्त फ्लू गैस के संघनित ज्ञात करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए संघनित ज्ञात करना है, ठीक है ना। इतना ध्यान दीजिएगा कि फ्लू गैस की संघनित ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक चीज देख लेते हैं हम लोग कि फ्लू गैस की संघनित जो होती है, ठीक है ना। देखिए ये संघनित ज्ञात करनी है, इसके बारे में आप लोग फार्मूला भी नहीं जानते, इसलिए पहले इसे देख लीजिए कि जो हमारा फ्लू गैस होता है, फ्लू गैस की जो संगत होती है, फ्लू गैस की संगत प्रति केजी ईंधन बराबर इसके बराबर होता है दोस्तों। देखिए इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं कार्बन की प्रति केजी, कार्बन की संघनित प्रति केजी ईंधन बटे कार्बन की संघनित की संघनित प्रति केजी फ्लू गैस ईंधन, ठीक है ना दोस्तों। क्या लिखेंगे? फ्लू गैस। ये हमारा दोस्तों क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या होता है, फ्लू गैस की संघनित प्रति केजी ईंधन बराबर कार्बन की संघनित प्रति केजी ईंधन बटे कार्बन की संघनित प्रति केजी फ्लू गैस का जो मान होता है उसके लिखते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग प्रदर्शित भी कर सकते हैं। देखिए कार्बन की संघनित प्रति केजी ईंधन को C1 से दिखा सकते हैं और इसे जो है कार्बन की संघनित प्रति केजी फ्लू गैस को C2 से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं इतने के बराबर। आई होप दोस्तों आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों यही चीज हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहीं पर रहने दीजिए फिलहाल। अब देख लेते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे। देखिए ये तो हमें फ्लू गैस की संघनित ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ज्ञात कर देते हैं फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा, ठीक है ना। देखिए पहले क्या था, फ्लू गैसों का संघनित विश्लेषण निम्न प्रकार है, जिसमें हमें दोस्तों यहाँ पर देखिए ईंधन के दहन से प्राप्त फ्लू गैसों की संघनित, हमें संघनित कब ज्ञात होगी, जब हमें फ्लू गैस की कार्बन की मात्रा पता होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी कार्बन दिया है, यहाँ पर देखिए कार्बन की संघनित का मात्रा दिया है, यहाँ पर फ्लू गैस की कार्बन की मात्रा पता रहेगा तभी तो मान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पहले इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हमारा क्या होता है फार्मूला, ऐसे लिख दीजिए सीधे सूत्र के अनुसार फ्लू गैस में दोस्तों इसे जो है आप लोग लिख लीजिए थोड़ा, ठीक है ना, ताकि इसे हम रफ कर लें, ठीक है ना। इतना देखिए इतना लिख लीजिए। तो दोस्तों देखिए ये जो इसे हम रफ कर लेते हैं इतना, ठीक है ना। ये मेन फार्मूला यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा जगह कम है इसलिए। सूत्र के अनुसार फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा, ठीक है, इसको पूरा मिटा दीजिए अभी, इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, जब इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये आपको बताने के लिए फिलहाल पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, कि होता क्या है। सूत्र के अनुसार फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा पहले ज्ञात करेंगे, तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं 3/11 होता है। यहाँ क्या होता है, CO की मात्रा होती है CO2 की प्लस 3/7, यहाँ पर क्या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये करेंगे। अब देखिए मान रख लेते हैं, चूंकि हमें क्या दिया पहले देख लेते हैं। देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है 21.6% परसेंट है, इसको ज्ञात करने में क्या निकलेगा 21.6/100 करेंगे तो इसके इक्वल टू क्या निकलेगा दोस्तों, ये देखिए दो स्थान पे दशमलव लगेगा मतलब 0.216 हो जाएगा, मतलब 0.216 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ किसका मान, ये हमारा CO2 का हो गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं CO का मान। CO का मान देखिए यहाँ पर कितना है 2.3%, 2.3% का मतलब 100 से डिवाइड करिए, इसे देखिए डिवाइड करेंगे दो स्थान पर दशमलव तो 0. ठीक है ना 0.23 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 0.023 हो जाएगा। इतना समझ पाए आप लोग, अब देखिए क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पर मान रख दीजिए 3/11। CO2 का मान कितना है 0.216 प्लस करिए 3/7 दिया है, CO का मान कितना है 0.023। इतना समझ पाए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग देखिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं ध्यान से। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, देखिए पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए देखिए कितना आता है, कितना दिया है 0.216 गुणे करेंगे 3 से। ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा 0.648/11। इतना समझ पाए, अब ध्यान दीजिए ये प्लस है ना तो प्लस करिए, अब इसमें देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कितना होगा हमारा, देख लीजिए 23/69 होता है 0.0 यहाँ पर 69 लिख दीजिए। ठीक है ना, ये आएगा देखिए 0.23 से। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा, इसके बट्टे 7 कर दीजिए, कितना हुआ, इसको आप डिवाइड कर देते हैं हम लोग, देखिए कितना आता है 0.648/11। ठीक है ना, देखिए डिवाइड किए 11 कितना है 0.0589 आया, इतना लिख लेंगे प्लस, इसे आप डिवाइड कर दीजिए देखिए कितना आ रहा है 0.069 इतना है, अपान में 7 करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है हमारा 0.00098 इतना आ गया। अब दोस्तों इनको क्या करते हैं, टोटल को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, प्लस कर दिए 0.058 और 9 ऐड कर दिए दोस्तों, हमारा निकल गया यहाँ से 0.0687 मान लेते हैं यहाँ तक। ठीक है ना, इतना केजी क्या हो गया हमारा, फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा गया तो वही, इतना समझ पाए आप लोग। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग उस फार्मूले के अनुसार क्या ज्ञात कर लेंगे, हमें ज्ञात क्या करना, 1 kg ईंधन के दहन में प्राप्त फ्लू गैस की संगत ज्ञात करना। ठीक है ना, तो हम लोग दोस्तों क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए इसमें लिखेंगे कि जो हमें ज्ञात करना है कि फ्लू गैस की संगत। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, फ्लू, इसीलिए यहाँ पर लगाइए फ्लू गैस की संगत। ठीक है ना, और भी कैसे, प्रति केजी ईंधन बराबर, ठीक है, क्या होता है आपको लिखा दिए थे। ठीक है ना, हम फिलहाल ऐसे लिख देते हैं, देखिए मतलब क्या हमारा, मतलब कार्बन की, कार्बन में जो है, ठीक है ना, कार्बन में प्रति केजी ईंधन तथा कार्बन में क्या है, फ्लू गैस का ईंधन। ठीक है ना, यही होता है, यहाँ पर 2 रहेगा, ध्यान दीजिए। ठीक, ये होता है हमारा, तो देखिए कार्बन में पहले कितना मान है इसका, कार्बन में जो है कार्बन की संगत प्रति केजी ईंधन, उसका मान हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया ईंधन के एक नमूने में इतने कार्बन है। ठीक है ना, कार्बन वाले ईंधन में कितना दिया 85%, 85% को जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे मतलब परसेंट को बदलेंगे भिन्न में तो कितना आएगा हमारा 0.85 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे 85/100 कर देंगे परसेंट को हटाने के लिए, अब क्या होगा 0.85 निकला, नहीं निकल गया ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.85। इतना समझ में आया, और देखिए CO2 मतलब जो फ्लू गैस में ईंधन है उसका मान कितना हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए 0.068। ठीक है ना, 687 कितना निकाले हैं, अब इसे जो है दोस्तों हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देखिए क्या दिया है 0.85। इतना हुआ, डिवाइड करेंगे हम लोग 0.0687 से। ठीक है, देखिए कितना है 12.37, कितना आ गया दोस्तों, कितना लिख देंगे केजी निकलेगा हमारा फ्लू गैस के संगत प्रति केजी ईंधन बराबर, मतलब इतने बराबर निकल जाएगा 1 kg ईंधन के दहन से प्राप्त फ्लू गैस की संगत इतना होगी हमारी। आई होप दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा,
हम पूरी उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है। और इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जो कि दोस्तों ये सबसे अलग टाइप का है और थोड़ा क्वेश्चन में से बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें देखिए दो चीजें हमें निकालनी है, ठीक है ना, इसलिए बड़ा थोड़ा है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है ना। आपको बहुत ही इजीली भाषा में समझाएंगे आपको, ठीक है ना, ताकि आपको पूरे अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा अच्छे ध्यान यहाँ पर एकत्र करिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। इंजॉय से बस देखिए, बस और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों क्या दिया क्वेश्चन, बायलर के एक परीक्षण में शुष्क दग्ध गैसों का आयतन विश्लेषण निम्न प्रकार है। ये देखिए दोस्तों शुष्क दग्ध का मतलब ये है, मतलब शुष्क फ्लू गैस, ठीक है ना, उसी का मतलब ये है, शुष्क फ्लू गैसों का आयतन विश्लेषण निम्न प्रकार है। देखिए जिसमें क्या दिया है, ये देखिए शुष्क फ्लू गैस का मान दिया है इतना, ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड 12% है, कार्बन मोनोऑक्साइड 2% है, ऑक्सीजन इसमें 6% है और नाइट्रोजन 80% है, इतना समझे आप। अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से, कोयले का विश्लेषण भार के अनुसार, ठीक है ना, कोयले का विश्लेषण कर रहा है भार के अनुसार, भार मतलब संघनक के अनुसार। भार दोस्तों हम लोग निकाले थे ना पिछले लेक्चर में, इससे जब रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे कि मतलब भार के अनुसार विश्लेषण कैसे होता है, ठीक है ना, वही बात है कि कोयले का विश्लेषण भार के अनुसार कितना दिया है, कार्बन इसमें 80% दिया है, हाइड्रोजन 5% दिया है और H2O मतलब जलवाष्प 8% दिया हुआ है, ठीक है, और राख दिया हुआ है 7%। तो निकालिए कह रहा क्या, देखिए राश ये हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन है प्रति केजी ईंधन को जलाने के लिए, प्रति केजी ईंधन को जलाने के लिए सैद्धांतिक वायु की मात्रा ज्ञात कीजिए। सैद्धांतिक दोस्तों वायु की मात्रा, जिस इस पे जो है दोस्तों ये जो क्वेश्चन जा रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे उतना हम लोग लगाए थे, ठीक है ना। यदि ना देखो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप उसमें भी बेहतर तरीके से समझ में। देखिए इसे सैद्धांतिक वायु की मात्रा ज्ञात करनी है, जैसे उसमें ज्ञात करते थे सेम इसमें वैसे ज्ञात करेंगे, ठीक, सूत्र के अनुसार। दूसरा देखिए, प्रति केजी ईंधन से उत्पन्न शुष्क गैस मतलब फ्लू गैस, शुष्क फ्लू गैस की मात्रा ज्ञात करनी है। शुष्क गैस को शुष्क फ्लू गैस भी कहते हैं या शुष्क दहन अवयव भी कहते हैं, ठीक है ना, की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन दे रहा है शुष्क गैस की मात्रा, इसका देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसका यहाँ पर मान दिया हुआ है, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर सैद्धांतिक वायु की मात्रा जो है, सैद्धांतिक मतलब दोस्तों होता है संघनक के आधार पर, जो मतलब भार के आधार पर, इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसी आधार पर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे लगा इसे, ठीक। सबसे पहले निकाल लेंगे पहला क्वेश्चन दिया क्या है, प्रति केजी ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक वायु की मात्रा, ओके दोस्तों देखिए ना से वायु की मात्रा ज्ञात करेंगे, इसके इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए इसका दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है, सैद्धांतिक वायु की मात्रा जो कि भार के आधार पे होता है, ठीक है ना। भार विश्लेषण में हम लोग देखे थे, मतलब यही है जो, ठीक है ना, भार विश्लेषण देखिए उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा 11.6 कार्बन, ठीक है ना, प्लस क्या होता है दोस्तों 34.8 कोष्ठक में क्या था, एच था माइनस ओ बटे कितना था दोस्तों यहाँ पर 8 था, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर 4.35, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन का मान होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के दान से। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में वो भी था, यहाँ पर लिखा था कि मतलब ऑक्सीजन के दान से बताइए, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन के दान कितना होता है, इतना निकलता था, ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया आपको, यही देखिए ये फार्मूला है आपका मेन, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए ये इतना था और यहाँ पर क्या था, सल्फर था, ये क्या था, ये हमारा फार्मूला है केजी में, ठीक है दोस्तों, ये सैद्धांतिक वायु की मात्रा का फार्मूला है, ठीक। और आपको बताया था कि इसमें जिस जिस का मान हमें इसमें मिलेगा उसी को प्रयोग रखेंगे, ठीक है ना। देखिए सैद्धांतिक वायु की मात्रा किसके कहता है, ये भार के आधार पे होता है, ठीक है ना, इसलिए भार वाला जो मान है वह इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा। देखिए कार्बन का मान 80% है, ठीक है, तो कार्बन का मान 80% को हम कार्बन को क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंट को हटा देते हैं, कितना आ जाएगा 0.80 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए
यदि हाइड्रोजन को देख लें, ठीक है, तो हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना दिया, 5%, मतलब 5/100 हो जाएगा, मतलब 0.05 हो जाएगा। इतना भी आप लोग समझ पा रहे हैं? अब ध्यान दीजिए क्या दिया हमारा H2O, तो देखिए इसमें H2O का मान कहीं पूछा नहीं है कि H2O का मान यहाँ पर रखिए, तो इसका हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। H का मान दिया था H का मान, C का मान दिया था C का मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो जिसका मान दिया रहेगा उतना इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में। देखिए तो इसका फार्मूला क्या हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर, देखिए 11.6 C कार्बन प्लस 34.8 हाइड्रोजन, इतना ज्ञात करना। देखिए ऑक्सीजन का मान इसमें दिया नहीं है और ना सल्फर का मान दिया, तो इतना भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना, इतना केवल सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या निकलेगा हमारा, ठीक है ना, सैद्धांतिक वायु की मात्रा बराबर इतना, ठीक है। अब देखिए ये मान दिया है, यहाँ पर लिख दिए 11.6 गुणे कार्बन का मान कितना दिया दोस्तों, गुणे 0.80 जीरो मान सकते हैं आगे, ठीक है ना। देखिए इतना हो गया, प्लस किए प्लस हो गया 34.8, इतना समझ पा रहा है ना। देखिए यहाँ से 34.8 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसका, एच, एच मतलब कितना आया हाइड्रोजन 0.05, इतना समझे आप लोग। अब देखिए दोस्तों इसे क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना निकलेगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से 11.6 गुणे करेंगे 0.80 करेंगे दोस्तों, तो हमारा निकलेगा 9.28 प्लस करिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, देखिए 34.8 मल्टीप्लाई करिए 0.05 में, 0.05 में करेंगे कितना आएगा 1.74, इतना समझ पा रहा है। अब ध्यान दीजिए इसे ऐड कर देते हैं टोटल को, ठीक है ना, टोटल ऐड करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा हमारा, टोटल ऐड करने के बाद दोस्तों आ जाएगा 11.02, इतना निकल जाएगा दोस्तों हमारा केजी में मान, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इतना केजी निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक चीज, इतना हमारा केजी निकल गया, ठीक है, और दोस्तों चलिए अच्छा देख लेते हैं आंसर हम लोग मिला लेते हैं फिलहाल कितना आया दोस्तों, थोड़ा सा हमें लगता है मिस्टेकिंग है क्या हम। देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है ना, बल्कि बुक में आंसर गलत दे दिया है, ठीक है ना, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपको ऐसे देखना है कि आपको फार्मूला के हिसाब से पूरा, देखिए हम मान भी सही रखे हैं और आंसर भी फिलहाल सही रहे हैं, ठीक है ना, उसमें केवल गलत दे दिया है, ठीक है ना, तो उस पर मत जाइए आप लोग। देखिए यहाँ से ये आपका आंसर हो गया, किसका, फर्स्ट वाला का आंसर निकल गया यहाँ से, ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए। अब देखिए दोस्तों इसे जो आप इसके साथ ले लीजिए ताकि इसे जो है ना रफ करें और इस वाले का आंसर यहाँ पर बताएं, क्योंकि जगह कम है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए ये जो है हमारा प्रश्न नंबर, देखिए जो दूसरा कर रहे हैं, कर प्रति केजी ईंधन से उत्पन्न शुष्क गैस की मात्रा, मतलब फ्लो गैस की मात्रा बतानी है हमें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हमें प्रति केजी ईंधन से उत्पन्न शुष्क गैस की मतलब मात्रा याद करनी होती है, तो इसके लिए दोस्तों जानते हैं आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे तालिका बनाएंगे, तालिका के अनुसार इसका क्या निकालेंगे हम लोग, मान निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का मान जो है तालिका के अनुसार ही निकलता है, ठीक है ना। जब भी हमारा इस तरह पूछा रहा है 12 के परीक्षण में शुष्क दर्द का आयतन विश्लेषण दिया है ना, ध्यान दीजिए आयतन विश्लेषण निम्न प्रकार है, देखिए आयतन इतना दिया है इसका, ठीक है ना, आयतन विश्लेषण कर दिया है ना, इसलिए आयतन विश्लेषण पहले तालिका बनाएंगे, उसमें आयतन निकालेंगे इन सभी का, इन सभी का आयतन निकालने के बाद प्रति केजी ईंधन से उत्पन्न शुष्क गैस की मात्रा भी ज्ञात करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए पहले तालिका बनाएंगे हम लोग, देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर तालिका लिखेंगे अवयव का मान, अवयव का जो नाम होता है, मान लीजिए नाम, ठीक है, अवयव का नाम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब देखिए दूसरे में लिखेंगे हम लोग प्रतिशत संरचना के आधार पर आयतन जो होता है, ठीक है ना, प्रतिशत संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर आयतन, आयतन, आयतन को दोस्तों किससे पता से कहते हैं, वी से, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देख लेंगे हम लोग जो तीसरे के नंबर पर आता है, ठीक है ना, मतलब आड़ द्रव्यमान देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर सापेक्ष संघनत्व, संघनत्व मतलब द्रव्यमान होता है, मतलब सापेक्ष द्रव्यमान, ठीक है ना, देखिए सापेक्ष का मतलब जो होता है आड़ द्रव्यमान वाला जो होता है उसे लिखेंगे, ठीक है, सापेक्ष, सापेक्ष संघनत्व या फिर द्रव्यमान लिख दीजिए, द्रव्यमान,
जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रदर्शित कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब द्रव्यमान, मतलब इन सभी जो है होंगे उनका द्रव्यमान यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे प्रदर्शित कर दिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो लास्ट में है, ठीक है, इसमें देखिए लिखा जाता है मतलब प्रतिशत संरचना के आधार पर, प्रतिशत संरचना संरचना द्वारा, ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत संरचना द्वारा, ठीक है दोस्तों, प्रतिशत संरचना द्वारा जो है, प्रतिशत संरचना द्वारा इसका जो द्रव्यमान होता है उसे देख लेंगे, द्रव्यमान, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है ये चीज हम लोग छूट गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिए थोड़ा, इसे जो है रफ करके देख लेते हैं आपको, एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा पहले लिखा है आणविक द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक नंबर, आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान जो एटॉमिक नंबर होता है ये हो जाएगा इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो है थोड़ा कम कर दें, ठीक है, थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है निकाल लेते हैं, यहाँ पर जो सापेक्ष संगत, सापेक्ष संगत यहाँ पर लिखेंगे, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, सापेक्ष जब संगत करेंगे मतलब द्रव्यमान जो है सापेक्ष, मतलब इसका और ये जो आयतन वाला है, ठीक है, मतलब यहाँ पर सापेक्ष संगत, संगत मतलब द्रव्यमान, एम बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर कैपिटल एम बनाइए, एम बराबर हमारा निकल जाएगा दोस्तों, क्या निकल जाएगा, वी इंटू ए, वी गुणे ए। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा मतलब आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल, ठीक है, यही से निकला है, देखिए m बराबर ज्ञात है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, वही चीज है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसलिए देखिए क्या निकालेंगे, प्रतिशत संरचना यहाँ पर लिखिए, प्रतिशत संरचना, संरचना द्वारा द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों, प्रतिशत संरचना है ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, प्रतिशत संरचना द्वारा द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, मतलब यहाँ पर जो है m का मान, स्मॉल m, ठीक है ना, इसका मान यहाँ ज्ञात करेंगे। अब ध्यान से देखिए अवयव का नाम क्या है, यही चीज आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अवयव का मान, नाम क्या है, देखिए इसमें अवयव का नाम क्या है, CO2, CO2 इतना कर दिए। अब ध्यान दीजिए दूसरे नंबर पे क्या है, CO है, CO कर दिए, तीसरे नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन है, O2, चौथे नंबर पे N2 है, नाइट्रोजन, N2 कर दिए, इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए O2 का मतलब क्या है, प्रतिशत संरचना के आधार पर आयतन देखिए कितना दिया हुआ है, O2 का, CO2 का देखिए 12% दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए परसेंट से हमें मतलब नहीं है आयतन में, ठीक है ना, क्योंकि देखिए परसेंट वहां पर अभी जाके निकल जाएगा, इसे 12 तो सिंपल 12 लिखिए इसके सामने, इसका मान 2 है तो 2 लिख दीजिए इसके सामने, और इसके सामने देखिए कितना दिया, 6 दिया तो 6 लिखिए, N2 का मतलब नाइट्रोजन का कितना दिया है, 80% का 80 लिख दीजिए, इतना हुआ ये आयतन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, आपको पता है ये जो हमारा होता है CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ध्यान दीजिए यहीं पर बता देते हैं, देखिए CO2 है ना, आपको बताया हम C कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 6 × 12 होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12, 12 इसका हो गया, प्लस करिए इसका, देखिए इसका परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 32 हो जाएगा, ठीक है ना, 32 और 12 कितना हो गया, 44 दोस्तों हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 44, इतना समझ पाया ना। अब ध्यान दीजिए 44 होने के बाद इसी प्रकार इसका करें, कार्बन का कितना होगा 12, इसका 16, 12 16 28 होगा, तो यहाँ पर 28 लिख दीजिए, और इसका देखिए ऑक्सीजन का 16 × 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32 लिख दीजिए, और देखिए यहाँ पर N2 मतलब नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है दोस्तों, 7 परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, ठीक है ना, तो 14 × 28 हो जाएगा सिंपल दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसके सामने 28, इतना समझ पाए। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या निकल रहा है, सापेक्ष संगत मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, देखिए मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 × 48 के 8 हाथ में है 4, ठीक है ना, 4 है हाथ में, 12 × 48 4, 48 4 52 होता है दोस्तों, इतना हुआ 528, समझ पाए आपको। अब देखिए 28 × 56 होता है, 56 लिख लीजिए, इतना हुआ, अब देखिए 32 × 6 6 × 12 दो हाथ में है 1, अब देखिए 6 × 18 = 19 मतलब 192 आया, इतना समझे। अब देखिए 28 का मतलब 8, देखिए 8 × 64 = 4 हाथ में आया 6, 8 × 16 = 6 16 = 22 होता है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर 1.0 है ना, ये लास्ट में लिख देंगे, ठीक है ना, 2240 आएगा, कितना समझ पाए। अब देखिए ध्यान से,
ज्ञात कीजिए प्रेशर संरचना द्वारा द्रव्यमान, ठीक है ना, स्मॉल एम का मान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक चीज करिए दोस्तों, जो संगति है ना सापेक्ष संगत बराबर यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए। पहले देखिए 8 6 14 2 16 होता है, ठीक है, 16 6 हाथ में यहाँ 1 4 1 5 9 5 14 14 5 19 19 2 21 के 1 हाथ में है 2, ठीक, 2 2 4 1 5 5 10 के 0 हाथ में है 1। अब बचा यहाँ पर देखिए 2 1 1 3, मतलब टोटल कितना आया 3016। इतना समझ पाए ना, इसे ऐसे कर दीजिए सिग्मा में बना के एम का मान है ना एम लिख दीजिए, इसके इक्वल टू क्या हो गया 3016। इतना समझ लिए। अब ध्यान से देखिए प्रतिशत संरचना द्वारा जो है द्रव्यमान ज्ञात कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए इसमें जो है ना दोस्तों इस मान को यहाँ पर लिखते हैं जो हमारा ये होता है, ठीक है ना, एम द्रव्यमान इसका जो है यहाँ पर लिखेंगे टोटल, ये मान हो गया बटे करेंगे जितना इसका टोटल मान आया 3016, इतना हुआ। अब देखिए इसमें क्या है प्रतिशत संरचना द्वारा ज्ञात कर रहे हैं ना, इसलिए बूढ़े 100 कर देंगे, इसलिए देखिए यहाँ पर 100 कैसे किए, यहाँ पर देखिए 12 लिखे थे परसेंट नहीं बदले थे, ठीक है, वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसका करेंगे 56 बटे में 3016 सैंपल बूढ़े 100 करिए, इतना हुआ। अब 192 बटे 3016 बूढ़े 100 करिए, हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2240 बटे 3016 गुड़े 100 करिए, इतना समझ पाए आप लोग, इसके इक्वल इसके इक्वल इसके इक्वल और इसके इक्वल। अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए कितना आएगा, देखिए इसके इक्वल करेंगे तो हम लोग देख लेते हैं कितना आया हमारा, ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से इसके इक्वल करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 528 है ना, 528 इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, ठीक है ना, और डिवाइड कर देते हैं किससे 3016 से, ठीक है ना। देखिए 3016 से हम लोग दोस्तों देखिए थोड़ा कट गया, फिर से देख लेते हैं, देखिए कितना आया 3016 से डिवाइड करने पर 17.50, इतना क्या हुआ परसेंट में आया, या फिर 17.5 ही केवल मान लीजिए, ठीक है ना, जीरो से मतलब नहीं है, दशमलव लग गया ना पहले। अब देख लेते हैं इसी प्रकार इसका हम लोग, ठीक है, देखिए ध्यान से इसका देख लेते हैं 56 × 100 / 3016 कर दिए दोस्तों, इसका मान आया हम लोग 1.85% आ गया, 5 की जगह 6 मान लीजिए क्योंकि और भी आएगा, ठीक है ना, इतना मान लेते हैं, मान लीजिए इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे 192 × 100 / देखिए 3016 है ना, 3016 की है, ठीक है, 3016 से करें तो यहाँ पर 6.36% हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब हमारा है 2240 × 100 / 3016, ठीक है, इसमें आ गया दोस्तों 74.27%। आई होप दोस्तों आपको इतना बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है ना, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से पूरा आपके इसलिए लैंग्वेज में बताएं पूरे अच्छे से ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक काम करते हैं इसे जो है आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्योंकि अभी थोड़ा बाकी है, क्योंकि इसका मान निकालना है ना इसलिए, ठीक, ताकि से हम इसके साथ लीजिए ताकि से रख करें दोस्तों। तो अब देखिए हम निकाल लेंगे कि फ्लू गैस में जो है कार्बन की मात्रा कितनी है, ठीक है, हम निकालेंगे फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए 3/11 CO2 + 3/7 CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, यही होता है ना। अब ध्यान दीजिए जो हम लोग यहाँ पर तालिका बना रहे थे उसमें जो हमारा CO2 का मान था जो परसेंटेज में आता वही यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, कितना आता है हमारा दोस्तों 74.5, क्या हम देख लेते कितना आता वैसे, देखिए 17.5% आया था, ठीक है ना, देखिए 17.5% आया था, इसको जो है हम लोग परसेंट से हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए परसेंट आ जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, इसके बराबर देखिए 100 क्या करेगा, 2 स्थान पर 10.5 खसक जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा 0.5, यहाँ पर लिखिए 3/11 इसका मान लिखिए 0.175, ठीक है, इतना समझ पाए, प्लस है तो प्लस लगाइए, 3/7 है तो 7 लिखिए। और देखिए CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का मान तालिका में कितना परसेंट था उसे भी देख लेते हैं, देखिए दोस्तों उसका जो था हमारा आया था 1.85 आया था, 1.85%, ठीक है, इसे देख लेते हैं, परसेंट हटाइए 100 से डिवाइड करिए, देखिए आ जाएगा 0.01
8.5 इतना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए निकाल लीजिएगा आप लोग, देखिए इतना ही निकलेगा सिंपल। ये देखिए ये इतना इसका मान निकल गया, ठीक है। इसे करते हैं नोट ऑफ और देखिए आ गया यहाँ पर जो होगा दोस्तों, देख लेते हैं मान कितना निकलेगा हमारा। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए दोस्तों हम हाल इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्द से। देखिए कितना दिया है 10.175, ये हुआ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इतना हुआ टोटल मान आ गया हम लोगों का 0.525, ठीक है इतना आ गया। अपन में 11 करिए प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए 3 × 0.0185 में, ठीक है। तो दोस्तों आएगा हमारा 0.0555, इतना समझ पाए। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ, इसके पास 7 करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए अपन ने 7 लिख दिए, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, देखिए डिवाइड करेंगे क्या आएगा अपन 0.525 डिवाइड करेंगे 11 से दोस्तों, निकल गया हमारा 0.047, इतना निकला। प्लस करिए इसको, देखिए डिवाइड करते हैं हम 0.0555 अपॉन 7 निकलेगा दोस्तों 0.0079, इतना निकल गया। अब देखिए इसे क्या करते हैं, टोटल को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे, देखिए कितना आया 0.047, इतना है ना टोटल। देखिए ऐड किए आया हमारा 0.0549 भी कर सकते हैं, इतना केजी निकल गया हमारा। कितना फ्लू गैस में कार्बन की मात्रा, आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। ये कार्बन की मात्रा ज्ञात हुई यहाँ पर, देखिए कार्बन की मात्रा ज्ञात हुई है, अभी हमें फ्लू गैस की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए फ्लू गैस की मात्रा बराबर क्या होता है आपको बताना हूँ फार्मूला, यहाँ पर लिखेंगे यही लिख लीजिएगा यहाँ पर। देखिए जगह नहीं है इसलिए हम, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फिर भी, प्रति केजी ईंधन से उत्पन्न शुष्क गैस की मात्रा, चलिए लिख देते हैं गैस की मात्रा, इतना हुआ दोस्तों। इसके इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कार्बन की प्रति केजी ईंधन, जो कार्बन का प्रति केजी ईंधन कितना है यहाँ पर देखिए 80% है ना, 80% को बदलिए परसेंट हटाइए, कितना आया 10.80, इतना समझ पाए। तो कितना जगह उसकी जगह पर जो हमारा इसका फार्मूला क्या है वही, मतलब C1/C2, ठीक है ना, उसी का मान रखते हैं, ध्यान दीजिएगा 0.80 अपान में करिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या होता है ना फ्लू गैस का प्रति केजी ईंधन होता है, ठीक है ना, फ्लू गैस वाला कितना माना है इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ये निकला ना फ्लू गैस की मात्रा कार्बन में, कार्बन की जो मात्रा होती है फ्लू गैस में उसको यहाँ पर लिखते हैं, और जो कार्बन में होती है वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। कार्बन में कार्बन की जो होती है यहाँ पर, इसमें फ्लू गैस का कार्बन का मान यहाँ पर 0.0549, इतना हुआ। इसे देखिए अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, सेवन वाला आंसर तुरंत निकल जाएगा। देखिए ध्यान से 10.80 डिवाइडेड अपन करेंगे दोस्तों 0.05, इतना हुआ 49 कर दीजिए, इतना हुआ दोस्तों हमारा निकल गया 14.57, ठीक है दोस्तों। केजी क्या निकल गया हमारा, प्रति केजी ईंधन से उत्पन्न शुष्क गैस की मात्रा हमारा 14.57 केजी आ गया। आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये लेक्चर पूरा होता है, और ये चैप्टर नंबर 2 भी फ्यूल सेल कन्वर्जन भी पूरा होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और दोस्तों यदि आपको हमारे लेक्चर पसंद आए तो इसे शेयर सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और अगले न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।